Hi everyone, I'm Anaya Pratap and I'm passionate about fashion. Let's explore it together. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी राजपूती साड़ीज़ के हॉल के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि मैं अपने राजपूती साड़ीज़ का कलेक्शन आप लोगों के सामने शो करूं. So today's topic is my राजपूती साड़ीज़ हॉल वीडियो. तो finally the video is here guys. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेरा जितना भी राजपूती साड़ीज़ का जो कलेक्शन है वो आप लोगों को जॉर्ज और शिफॉन में मिलेगा, क्योंकि आपकी साड़ी का फैब्रिक सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके का फैब्रिक वेयर कर रहे हो. और क्लासी और एलिगेंट दिखने के लिए आपकी साड़ी का फैब्रिक का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरे पास जितनी भी साड़ीज़ हैं वो या तो शिफॉन में है या फिर जॉर्जेट में है या फिर प्योर में है, ठाकुर जी प्योर में है. और रिसेंटली मैंने अभी जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स अपलोड करी थी उनमें से भी बहुत सारे वीडियोस जो साड़ी के हैं वो इन्हीं फैब्रिक्स में से हैं. तो सबसे पहली साड़ी ये डेली वेयर वाली और डे में वेयर कर सकने वाली साड़ीज़ हैं. तो सबसे पहले हम जिस साड़ी के बारे में बात करेंगे ये इसका ऑरेंज कलर है और इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स दिए गए हैं. ये वाली साड़ी मैंने 699 रुपीज़ में परचेज करी थी और इस फैब्रिक है वो साड़ीज़ में दो क्वालिटी के फैब्रिक्स आते हैं, एक तो लोअर क्वालिटी आती है और एक अच्छी क्वालिटी जो आती है वो आपको अंडर 800 रुपीस के अंडर में मिल जाती है, और जो लोअर क्वालिटी होती है वो आपको 350 रुपए और 400 के आसपास में मिलती है. तो हमेशा फैब्रिक को पहचाने, क्योंकि जो 350 वाला फैब्रिक होगा उसको अगर आप इस तरीके से खींच के देखते हो तो वहाँ पे आपको होल्स दिखेंगे और वो वाली साड़ी बहुत जल्दी फटने के चांसेस रहते हैं. तो डेली वेयर के हिसाब से या फिर अगर मुझे कहीं पे लंच डेट पे जाना है, ब्रंच के लिए जाना है, तो मैं इस तरीके की साड़ीज प्रेफर करूंगी. हमेशा आप साड़ीज सेलेक्ट करते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखें, वैसे मैं प्रॉपर सेपरेट एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि राजपूती साड़ीज पहनते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. ये वाली जो साड़ी है इसमें बिग साइज के पिंक कलर के फ्लावर्स हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके के इसमें फ्लावर्स दिए गए हैं. और इस साड़ी के साथ में अगर आप ग्रीन कलर की बैंगल्स या पिंक कलर की बैंगल्स मैच करते हो, क्योंकि पिंक एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके की कलर स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सूट करता है. और ये वाली साड़ी मैंने ओनली 699 रुपीज में परचेस करी है गाइस. नेक्स्ट साड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल्दो मैंने उसको अभी तक पहना नहीं है, बट यहाँ पर आप देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड लुक दे रही है ये वाली साड़ी. और ये भी अंडर 800 रुपीज की साड़ी है, शिफॉन रॉयल शिफॉन इसका फैब्रिक है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है. और फैब्रिक की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते बहुत लाइट वेट है और इसके अंदर ऑरेंज और पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स हैं. अभी जो साड़ीज ट्रेंड में है उनमें या तो आप बड़े बड़े फ्लावर्स वाली साड़ीज है या फिर प्रिंटेड छोटे छोटे फ्लावर्स या फिर छोटे प्रिंट्स वाली साड़ियाँ जो है वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है. वैसे उस तरीके की साड़ीज आपको जरूर परचेज करनी चाहिए, वेयर करनी चाहिए. यहाँ पर ये वाली साड़ी वैसे मैंने अभी तक वेयर नहीं करी है, बट जब भी मैं वेयर करूंगी तो इसके जो कुछ पिक्चर्स होंगे वो इंस्टा फीड पे जरूर अपलोड करूंगी. तो ये वाली साड़ी भी अंडर 800 रुपीस मैंने परचेस करी है. और इस हॉल में जो सबसे अच्छी साड़ी है उसके बारे में आप लोगों को कमेंट करना है कि ये किस तरीके का लुक दे रही है, या फिर आपको सबसे अच्छी कौन सी साड़ी लगी है ये मुझे इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना है. नेक्स्ट साड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक बंधेज की साड़ी है. वैसे बंधेज की साड़ियाँ बहुत ज्यादा यूनिक लगती है. राजस्थान वैसे फेमस भी बंधेज के लिए है. तो अगर आप लोग राजस्थान से हैं या फिर आउट ऑफ राजस्थान है या फिर कुछ यूनिक पहनना चाहते हैं तो बंधेज की साड़ी आपको जरूर पहननी चाहिए. इनमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं गाइस. तो ये यहाँ पे देखिए आप, इसको मैंने शेड में परचेज करा है. लाइक इसके टू शेड्स हैं, ब्लू है, टर्कोइज कलर इसको बोल सकते हैं, एक डार्क टर्कोइज है और इधर इस साइड में इसका ये वाला कलर है. और ये बारीक बंधेज है, यहाँ पर आप अगर देखें तो इसका बंधेज इस तरीके का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. और बात करें अगर हम इसके फैब्रिक के बारे में तो ये भी शिफॉन है, बहुत लाइट वेट है, बहुत कंफर्टेबल साड़ी है. अगर आप डे में कहीं पे भी जा रहे हो और आपको कंफर्टेबल क्लोथिंग ट्राई करना है तो इस साड़ीज आर मस्ट गाइस. इसका प्राइस भी अंडर 700 रुपीस है. इनमें भी दो या तीन तरीके की क्वालिटीज आती है, बहुत चीप क्वालिटी आती है, फिर मीडियम क्वालिटी आती है, फिर हाई क्वालिटी आती है.
तो हाई क्वालिटी वाला जो फैब्रिक है वो आपको 750 के अराउंड या 800 अंडर मिलेगा, और जो चीप क्वालिटी आती है वो 350 400 के समथिंग अवेलेबल होता है मार्केट में, बट आप उनको देख के बिल्कुल भी रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सा चीप है कौन सा एक्सपेंसिव है। बट फैब्रिक को देखने से थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से वाला अच्छा है, क्योंकि 350 या 400 वाली जो साड़ी है वो ड्यूरेबल नहीं होती है, कम्फर्टेबल वो थोड़ा सा आपकी स्किन को लगती भी है, इसलिए इनमें लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इस तरीके से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। वैसे ये वाली साड़ी भी मैं अभी तक वेयर नहीं कर पाई हूँ, जैसे ही मैं इसको वेयर करूंगी इंस्टा पे स्टोरीज डालूंगी तो आप लोग वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो साड़ी मैंने रिसेंटली वेयर करी थी, मेरी जो इंस्टा की रिसेंट 2 रील्स हैं उनमें मैंने ये वेयर करी है। लाइट पिंक और डार्क पिंक इसका कलर है। अगेन इसमें ये वाला बंदेज बॉर्डर पे दिया गया है, पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है तो पिंक कलर की साड़ीज मेरे पास में मेरे कलेक्शन में बहुत सारी हैं। ये वाली साड़ी भी अंडर 750 रुपीस है, जो बंदेज है वो बारीक वाला बंदेज है और पीछे की तरफ इसके ऑल ओवर पूरे साड़ी में इस तरीके के गोल लड्डू दिए गए हैं, शिफॉन इसका फैब्रिक है और रॉयल शिफॉन है और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं अपने साड़ीज के साथ में किस तरीके के ब्लाउज वेयर करती हूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों के पास में किस तरीके के ब्लाउज होने चाहिए, तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट साड़ी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज अगेन इन पिंक कलर, और ये वाली भी मेरी ऑल दो फेवरेट साड़ी है। पिंक कलर की साड़ी आप लोगों के वार्डरोब में भी होनी चाहिए, अगर आप लोगों का मेरी तरह का स्किन टोन है तो आप लोगों के वार्डरोब में सारे ब्राइट कलर्स हो सकते हैं। वैसे अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आप लोगों को पीच कलर लाइट ऑरेंज कलर इस तरीके के फैब्रिक्स वेयर करने चाहिए। नेक्स्ट साड़ी जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है लहरिया साड़ी। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हैवी फैब्रिक है, ये साड़ी भी थोड़ी सी इस काम की वजह से थोड़ी सी हैवी है। वैसे अगर आप किसी डिनर डेट पे जा रहे हो या फिर इवनिंग का कोई फंक्शन है तो आप लोग ये वाली साड़ी जरूर वेयर कर सकते हैं। फैब्रिक है वो भी शिफॉन से थोड़ा सा हैवी है, शिफॉन नहीं है। ये वाली साड़ी आपको इवनिंग लुक देने में ज्यादा परफेक्ट होगी, और ये वाली साड़ी भी मैंने परचेस की थी अंडर 1600 रुपीस। ये थोड़ा सा ओवरऑल हैवी लुक देती है, लहरिया साड़ी भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है। आप अगर मुझसे पूछिए कि मैं इसको एक दो बार पहनने के बाद में इस वाली साड़ी से मेरे लिए पोशाक बनाना प्रेफर करूंगी और अगर मैं इसको डिजाइन करवाती हूँ मेरे लिए, तो ये वाला वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। दीज आर माई फेवरेट साड़ीज, राजपूती साड़ीज जिनका फैब्रिक शिफॉन जॉर्जेट है, लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है। आपको ये वाला हॉल कैसा लगा, मेरा साड़ीज़ का हॉल कैसा लगा? इनके अलावा भी मेरे पास में बहुत सारी साड़ीज़ हैं जो कि मैंने एक अलग सेगमेंट में रखी हैं जो कि थोड़ी सी हैवी हैं, तो उनका वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सबके प्राइसेस, मैंने कहाँ से परचेज़ करे हैं, उनका लिंक सारा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब प्रोवाइड करा दूँगी। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।